अजान अमन और भाईचारा सिखाती है। मंदिर की घंटियां सौहार्द और सद्भावना के बीज बोती है। फिर ये नफरतों के पेड़ कैसे उगाते हैं? हमारी जड़ें एक, हमारा खून एक, फिर ये मार काट क्यों? जलते हुए मकान और इंसान के हाथों मरते हुए इंसान, आखिर किसके लिए? हिंदू हो या मुसलमान? पहले तुम बताओ। तुम्हें क्या तकलीफ है बताने में? तुम अगर खूनी हुए तो और तुम मेरी कौम के नहीं हुए तो? खूनी तो तुम हो जो यहाँ छुपे बैठे हो और मौके की तलाश में हो। मेरी कौम का नहीं होने पर जाने दोगे मुझे? जरूर। अरे किसी को मारने वाला इस तरह छुपा रहता है क्या? और खूनी तो तुम हो जो ईंट लेकर मुझे मारने आए हो। हाँ, जैसे तुम्हारे हाथ में तो ईंट ना होकर कोई गुलाब का फूल है। कहाँ रहते हो? लाल कुर्ती। और तुम? भूमिया का पुल। देखो मैं आखिरी बार पूछता हूं, नाम क्या है तुम्हारा? वरना मैं मार दूंगा। तो मैं भी मार दूंगा। अरे भाई, तुम ठीक हो ना? हाँ। लगता है कहीं पास में ही मारकाट बची है। चलो कहीं और चलें। नहीं, उठना नहीं, बैठे रहो। अगर उनकी नजर हम पे पड़ गई तो समझो जान से गए। जैसे पड़े हो पड़े रहो। अरे पर क्यों? क्यों क्या मतलब? मरना चाहते हो क्या तुम? अरे जाऊंगा नहीं तो क्या यहाँ पड़ा रहूंगा अंधेरे में? अरे मुझे तो तुम्हारे मन में खोट नजर आ रही है। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि तुमने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम्हारा धर्म क्या है। ऐसा तो नहीं कि बाद में अपने आदमियों को बुलाकर तुम मुझ पर ही टूट पड़ो? इस दंगे में किसी का कोई भरोसा नहीं। अरे भरोसा तो तुम्हारा भी नहीं है। तुमने कौन सा अपना धर्म बता दिया मुझे? अरे भाई इसमें गुस्सा होने वाली बात कहाँ है? नीचे बैठ जाओ और धीरे बोलो। किसी ने तुम्हारी आवाज सुन ली तो? देखा नहीं चारों तरफ लाशें बिछी पड़ी है। पापा आज मत जाओ ना, मुझे आपके साथ खेलना है। बेटा दिन भर की तो बात है, मैं शाम को वापस आ जाऊंगा। तुम्हारे लिए शाम को गरम गरम जलेबी लेकर आऊंगा और फिर हम शाम को खेलेंगे। भाई क्या हुआ? भाई तुम अचानक रोने क्यों लगे? बीवी बच्चों की याद आ गई। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? दो। लेकिन बीवी एक है। और तुम्हारे? तीन। बीवियां? अरे नहीं यार, बेटे हैं तीन मेरे।
तीनों बहुत शरारती हैं। पता नहीं अब मैं उनके साथ कब शरारत कर पाऊंगा। ये मनुष तंगा, हाँ इस तंगे ने तो जैसे हम गरीबों की जिंदगी की सांसें ही छीन ली हो। कल तक सब ठीक चल रहा था, सब बातें कर रहे थे, एक दूसरे का साथ दे रहे थे, पलक झपकते ही ये मार काट, एक दूसरे और एक दूसरे की जान की प्यास। अरे आदमी इतना स्वार्थी और पत्थर दिल कैसे हो सकता है? आदमी को मारकर आदमी की जात कैसे बचेगी भला, कैसे बचेगी? सुनो बीड़ी पियोगे? हाँ पिला दो। जलाता हूं, आज साली माचिस गीली हो गई। जली नहीं रही है? जलेगी, लाओ मुझे दिखाओ। ये लो। इसी शरारती और जिद्दी दिया सलाई से रोज पाला पड़ता है मेरा। हाँ? सुभान अल्लाह। तो तुम? हाँ मुसलमान हूं। तो क्या हुआ? हूं मुसलमान मैं हूं। हाँ तो कोई बात नहीं, उस थैले में क्या है? पता क्या है इस थैले के अंदर? कुछ भी तो नहीं। तो फिर तुम भागकर उधर क्यों गए थे और अपना थैला क्यों उठा लिया और ये ईंट क्यों उठाई? हाँ तो तुमने भी तो उठाई मुझे मारने के लिए, क्योंकि तुम जान गए हो कि मैं एक मुसलमान हूं और तुम एक हिंदू। देख तू जो भी है मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, सच सच बताओ इस थैले में क्या है? कोई हथियार? सच सच बताओ वरना मैं ईंट मारकर तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। तो मैं भी फोड़ दूंगा तुम्हारा सर। पता था क्यों नहीं? इसमें है क्या? इसमें बीवी और बच्चों के लिए नए कपड़े हैं। कली देना, तुम जानते तो हो। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तुम्हें यकीन नहीं होता ना, तो लो खुद देख लो। बस अब तो यकीन हो गया ना तुम्हें? ठीक है अब तो शक नहीं है तुम्हें मुझ पर? रोते क्यों हो भाई? अब इस माहौल में किसी का भरोसा किया जा सकता है क्या? अब बीड़ी तो पिला दो। ये लो। किसी को मार रहे हैं? गलती तो तुम्हारे आदमियों की है, आग लगवा दी, दंगा करवा दिया। अब देखो क्या रहते तो हिंदुस्तान में है
और गुणगान गाते हो पड़ोसी मुल्क का, ये भी कोई बात हुई भला? मैं ये सब नहीं जानता, मैं बस ये जानता हूं कि आखिर इस पार कार्ड से किसी का क्या भला होगा। कुछ लोग तुम्हारे मारे जाएंगे, कुछ हमारे। सही कहते हो भाई, हम मरेंगे और तुम मरोगे, और हमारे बीवी बच्चे भीख मांगेंगे। अरे ये नेता इस देश को दो टुकड़े में नहीं बांटते तो ना तुम मुसलमान होते ना मैं हिंदू होता, होते तो सिर्फ भाई। सही कहते हो भाई, ये सारे नेता अपनी ऊंची ऊंची इमारतों के ऊपर पैर पे पैर रख के फरमान जारी करते थे बस, और तो और मरने और कटने के लिए आप और हम जैसे लोग तो है ही। अरे हम जैसे आदमी ना होकर कुत्ते के पिल्ले हो गए, वरना हम एक दूसरे को मारते ही क्यों, झपटते ही क्यों, गुर्राते ही क्यों? अरे हमारे बारे में सोचता कौन है? और तुम बताओ अब मेरे टेम्पू में कौन हिंदू बैठेगा? अरे मैं तो अपना टेम्पू चलाता ही हिंदुओं के इलाके में हूं, और जिन हिंदुओं के बच्चों को मैं सुबह स्कूल लेकर जाता था अपने टेम्पू में, वो क्या भरोसा करेंगे मुझ पे? भेज देंगे अपने बच्चों को मेरे साथ? बताओ तुम। नहीं भाई। ये क्या है? इसमें तो खाना है भाई। हाँ ना, दोपहर में दंगा हो गया, खाना खा ही नहीं पाया। मैं तो कल सुबह से रोजे से था, और जब रोजा खोलने का वक्त आया तो ये दंगा हो गया, पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हुई। अरे तो खाना है ना, ये लो, आओ बैठो, रोटी खा लो। ये लो। नहीं भाई, तुम ही खाओ। अरे नहीं, खा लो। नहीं नहीं, तुम ही खाओ बस। ठीक है, समझा। ये एक हिंदू की रोटी है ना, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, रोटी ना हिंदू की होती है ना मुसलमान की, रोटी का कोई धर्म नहीं होता। लाओ लाओ। मैं क्या करूं अब? चलो चलो भाग चले, लेकिन जाए भी तो कहां, हर तरफ पुलिस है, और मुझे तो इन जालिमों का बिल्कुल भरोसा नहीं है। कह तो सही रहे हो, लेकिन जाए किस तरफ? यहां से थोड़ी दूर एक गली है, हा? वो सीधी लाल कुर्ती निकलती है। हाँ तो चलो चलो। हाँ चलो। अरे सुनो, हाँ तुमने अपना नाम नहीं बताया। जाकिर नाम है मेरा, और तुम्हारा? राजू। अच्छा राजू, वो देखो मस्जिद। मस्जिद? हे तुम कहाँ आ रहे हो? तुम्हारे साथ? पागल हो गए हो क्या? वो मुसलमानों का मोहल्ला है, और ये हिंदुओं का। तुम यहीं रुको, सुबह तो अब हो ही गई है, जैसे ही कर्फ्यू में थोड़ी ढील होगी तुम अपने घर निकल जाना। और तुम? मैं तो अभी जाऊंगा भाई, आज ईद का दिन है, अल्लाह जाने मोहल्ले में क्या क्या हो रहा होगा। मैं अकेला कैसे रहूंगा यहाँ? नहीं नहीं भाई, मैं तो जाऊंगा, बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, उनके कपड़े भी मेरे पास हैं। नहीं अब मन नहीं मानता। और अगर तुम पकड़े गए तो? वो देखो पास में ही मस्जिद है, एक बार बस मस्जिद तक पहुंच गया तो पास में ही एक गली है जो सीधी लाल कुर्ती निकलती है, बस मस्जिद तक पहुंच जाऊं एक बार, फिर कुछ नहीं होने वाला। तुम अपने भगवान से प्रार्थना करना, और मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगूंगा कि हम सही सलामत घर पहुंच जाएं। अच्छा अब मैं चलता हूं। नफरतों के बोझ से
नफरतों के बोझ से, हो नफरतों के बोझ से बोझिल कहाँ हम आ गए, नफरतों के बोझ से बोझिल कहाँ हम आ गए। क्यों अजाने शंख घंटी, क्यों अजाने शंख घंटी इस तरह टकरा गए, टकरा गए। पूछती है अधजली से लाश एक मासूम की, पूछती है अधजली से लाश एक मासूम की। खून मेरा देख अल्लाह, खून मेरा देख अल्लाह, राम क्या सुख पा गए। नफरतों के बोझ से बोझिल कहाँ हम आ गए, नफरतों के बोझ से बोझिल कहाँ हम आ गए। नफरत का व्यापार ये आखिर किसके लिए है, नफरत का व्यापार। साकिब मेरे भाई क्या हुआ, साकिब मेरे भाई क्या हो गया, साकिब तुम्हारे भाई को मार ले, शायद तुम्हारी दुआ कबूल नहीं। नहीं नहीं मेरे भाई, नहीं नहीं, साकिब हे भगवान, ये आखिर तुम भी नहीं बचा पाए मेरे दोस्त को। ये आखिर किसके लिए है, ये आखिर किसके लिए है, ये आखिर किसके लिए है।